अपनी ट्रिप शुरू होती है अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाबा, काय कर रहा हूँ तुला ना, कौन है यार प्रणव? आज मेरे गाड़ी चलाने का मूड है ना, रील्स में देखा था ये, मुझे अच्छा लग रहा था। काय समोर पानी दिसत नाही का? तेव्हा की पानी इतन पण अर्जुनाने बाण मारलं होतं ना, तेव्हा भीद गंगाचं कोण वो कुंड अर्जुन ने बाण मारा था पानी के लिए। गाइस ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखो, पता नहीं रे, ये देखो यहाँ पे भी है, ऊपर से है, कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है। खिड़की भी ओपन नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे है। और सिर्फ इसका टिप पे ही है, ये देखो ये वाला तो बहुत सही है, मस्त दिख रहा है, मस्त एकदम मस्त। सुबह उठने के बाद पहले ये नोटिस किया, अभी तक नींद भी नहीं खुली। गाइज नहा धो के मस्त बैठा, आज हर तरीका है। सुबह सुबह मेरे को ये लड़की ने इतना दौड़ाया ना रीति के लिए, क्योंकि अभी सिटी में तो रीति आना बंद हो गया यार, कंस्ट्रक्शन पूरे क्रश साइड के ही बन रहे हैं। रेती हम लोगों को मिली नहीं, फाइनली क्रश साइड लेके आए और फिर उसकी शिव पिंड बनेगी, क्योंकि आज शिव पिंड बनानी होती है, उसकी पूजा करनी होती है, आज व्रत रहता है, उपास रहता है। अभी मऊ का तो उपास है, पता नहीं अपने को क्या खाने मिलेगा आज, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। ठीक है, अभी जब तक अपन घर से नहीं आते ना, अभी घर भी जाना है, क्यों क्या कैसे आपको समझेगा, सब समझेगा। तो जब भी घर से रिटर्न आएंगे तब अपना फास्टिंग चालू करेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं आपकी जिंदगी का प्रवास सिक्कर चल रहा होगा, एक नए दिन की शुरुआत। कल गणपति बप्पा का आगमन होगा, गणपति बप्पा की तैयारी वगैरह आप सब लोगों की पूरी होगी होगी। अपन यहाँ पे गणपति बप्पा को नहीं स्थापित करते हैं, क्योंकि नेवास अपने घर पे गणपति बप्पा रहता है, तो अपन इस साल पुणे के गणपति बप्पा एक्सप्लोर करेंगे, जो कि फेमस है, लोग महाराष्ट्र से आते हैं पुणे के गणपति बप्पा देखने। सो अभी काम चल रहा है, मॉर्निंग पूरा टास्क वगैरह चल रहा है इसका। यार ये थोड़ा सा इसको साफ भी करना है, देखो धूल कितनी है, और इसका ये थोड़ा सा एक नट खराब हो गया, वो फिक्स करना है, इसलिए मैंने उसको निकाल के रखा है। एंड ये रूम अपनी पूरी अपन ने अच्छी तरीके से लगाई है पूरी, देखो। हाँ मतलब घर पूरा एकदम बेस्ट एंड बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। चल मस्त अपने काम को शुरुआत करते हैं। भगवान जी की पूजा चल रही है सुबह सुबह, और यहाँ पे पूजा मतलब शिव जी की पूजा होगी आज हरताली की। अरे कुछ बता। क्या बताऊ, क्या कर रही है? देखो मस्त ऐसी पिंड निकाल रही हूँ, उसको क्या करना पड़ता है, दिख रही ना पिंड जैसी दिख रही ना, मतलब आ रही ना मुझे ये रेती ना, मतलब अच्छी नहीं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बारीक नहीं वो, बारीक चाहिए वो रेती नहीं है, वो क्रश सैंड है। ठीक है आधुनिक है, आधुनिक क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, बहुत जगह पे देखी लेकिन नहीं मिली हम लोगों को। वो जो बेच रहा था वो भी ऐसी ही थी क्या? मेरी वो अलग थी, मतलब वो प्रॉपर रहती थी तो फिर लेके सच वाली थी, झूठ वाली नहीं, ये हाइब्रिड है, दिख रही ना, फ्लावर्स भी लेके आई, ये क्या है पता नहीं, वो पत्ते सब पेड़ के। अच्छा अच्छा हमको सिखा रही है, अच्छा पेड़ के पत्ते, अच्छा गाइस ये पेड़ के पत्ते समझ रहे हैं आपको क्या है, ये पेड़ के पत्ते समझ रहे हो आप गुड। ऐसे पत्ते खा के आज का उपवास रहता है, मतलब पहला पूरा था, मुझे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता, मतलब पता है लेकिन बता नहीं सकती। देख सच में मस्त हो गई ना, हाँ घर बना दे उनको। अच्छा उसको घर भी रहता है क्या? हाँ ऐसे मॉल रहती है, कंपाउंड रहता है। हाँ कंपाउंड रहता है, सब कंपाउंड करने का, फिर क्या करने का, ऐसा यहाँ पे ऐसा गेट करने का। अच्छा गेट भी रहता है? हाँ ऐसे करते हैं,
किसी का अलग होगा, लेकिन हम लोग पहले से ऐसे ही करते हैं। गणपति का अपन करना पड़ता है। गणपति भी रहता है इसमें? हाँ, गणपति मतलब ऐसा करते से पैसा रखते हैं। खर्च कब आए? सब पता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता ना। बचपन से देखते आ रहे ना, करते आ रहे इसलिए। सो ये अभी रेडी हो गया, इसकी अभी पूजा होगी। बहुत मस्त दिखेगा वो, थोड़ा ज्यादा डाल। तो यहां से अंदर जाना है क्या पूजा करने के लिए? ओम नमः शिवाय। 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 अब पत्ते हो गए, अभी भगवान की पिंडी नहीं दिख रही है। वैसा ही होता है। अच्छा, और ये छोटा भी है ना अपना पार्ट, तो हाँ ये अभी घर से आते वक्त लेके आएंगे बड़ा। अपने पहले घर में मतलब जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपना देवघर ही बहुत बड़ा था। A few moments later. कनेक्ट कर और हाथ में पेन, मैंने चार्ज करके लाया। बिल्कुल पसंद नहीं घड़ी, मतलब ये घड़ी मैं बोर हो गई। ये घड़ी बोर हो गई मतलब? मुझे समझ ले यार, तू समझता भी नहीं। डिजिटल नहीं चाहिए तेरे को? नहीं, अभी मुझे दूसरी ऐसी मस्त एनालॉग चाहिए। मस्त वाली चाहिए, तुझे मैंने दिखाया है कौन सी चाहिए। ऐसे मुझे घड़ी पहनना ऐसा कुछ तो नहीं, आदत लगा, आदत लगा, आदत लगा। नको नको वाटतं मला। पण असं आवडतं, पण मी हवा हवा वाटतो का? याचं उत्तर मी नंतर देईन तुला। अरे आपली पूजा, अरे भगवान जी, दीवार नीचे गया तो कैसा लग रहा है? तैयारी चालू। बप्पा, अरे बप्पा, देखो हर जगह पे, ये देखो कितना खूबसूरत बप्पा की मूर्तियां है बेचने। बहुत जगह पे मस्त मस्त है। अरे लास्ट टाइम अपन ने ऑफिस में बैठाया था, लास्ट टाइम तो बहुत डेंजर हालात हो गई थी गाइस। अब मैंने व्लॉग किया था कि वो हालात का नहीं, हालात का हालात ही वैसी थी, तो क्या व्लॉग बनेंगे? हालात मतलब ऐसे क्या ये करने ऐसी हालात हो गई थी। क्या मेरा सामने आया तो तू खत्म। डीजल भी फिल अप करना पड़ेगा यार, डीजल रिजर्व पे आ गया। क्यों खत्म होता है पता ही नहीं, एक बार डलवा दिया ना डीजल तो फिर डालने की जरूरत ही नहीं चाहिए। बाई बाई कसा पिसारा बाई बाई। हाँ और गाइस, अपनी ट्रिप शुरू होती है अभी। आज अपन पूरा 6 किलोमीटर पार करके ऑफिस जाएंगे। एक्चुअली आज है ना एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे थे वन डे रिटर्न की, लेकिन हड़तालिका आ गई और हड़तालिका की वजह से वो अपन ने पोस्टपोन कर दिया। फास्ट है मुझे और बाहर का खाना नहीं खा सकती। हाँ मतलब ये जाती है खाना खाने के लिए। अगर बाहर गए और खाना नहीं खाया तो कैसा बुरा लगता है ना खाने को भी और मुझे भी और सबको। सो ट्रैवलिंग में मुझे पसंद नहीं है फास्ट करना, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। ये देखो यहाँ पे भी एक गणपति बप्पा होंगे, मस्त एलईडी लाइटिंग वगैरह दिख रहे हैं। दिन में कहाँ एलईडी लाइट दिख रही, मतलब
उन्होंने एलईडी लाइटिंग वगैरह लगाया, शाम में अच्छा अपन दिखेगा। जाएंगे पास जो माना जी गणपति थे बगैला जाऊ अपन यहां। यस, पूरा अपन गणपति एक्सप्लोर करेंगे पुणे के गणपति। और क्या बोल रहे थे, मैंने जाएंगे क्योंकि क्या है, जाएंगे क्योंकि खत्म जो बाय बाय गुड नाइट आंटी। रुको आंटी, आंटी रुको आंटी, आंटी आंटी, अरे आंटी आंटी आ गई फाइनली आंटी, क्रॉस द रोड। हाँ तू बता, तू क्यों कुछ फ्लो तोड़ा चिप्पा आता कहीं सांगणार नाही मी कट्टी। गाइस 3 किलोमीटर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, एक भी ब्रेक नहीं लिया अपन ने, पूरा नॉन स्टॉप मतलब स्ट्रेच किया पूरे 3 किलोमीटर बस बोल रहे हैं जैसे 300 किलोमीटर आया तो बस और 3 किलोमीटर जाना है एंड फाइनली आज का अपना डेस्टिनेशन आ जाएगा। आज का मतलब एक दो घंटे के लिए का। कितना येड़ा बना रहा है सबको? नहीं, मैं येड़ा नहीं बनाता यार, ये अगस्त सितंबर में बहुत ही फेस्टिव सीजन रहते हैं। वो आंटी का शॉट लेना चाहिए था और खुद मस्त फोन पे बात करके जैसे गार्डन में चल रही है ऐसे क्रॉस कर रही थी। क्या करना, क्या चाहते हो अपन को? ऑटोमेटिक गाड़ी लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गया अभी स्टैंड पे। अरे पापा आज मेरा गाड़ी चलाने का मूड। ये मोटिवेशन है ऑफिस में आने का, देखो क्या क्या दिख रहा है गाइस। ऑफिस में जाते जाते ही आहा, बेंटले, मस्कराटी, वो अभी वो नाम भी तो याद आ रही है, कन्वर्टेबल मर्सिडीज, ऐसा सब कुछ है। और ये हमारे वॉचमैन मामा, वॉल्वो की ईवी है, तगड़ी लग रही है ना, कलर भी अच्छा है लेकिन गाड़ी भी तगड़ी लग रही है। मतलब अभी ये होंडा सिटी है बाजू में, देखो दोनों में डिफरेंस, ये 1X में। हाँ मस्त कलर है, मोर पंखी नहीं वेगा से। और ये माऊ की गाड़ी है, ये वाली? हाँ नहीं, अरे ये बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं, 9010 मैं ये बोल रहा हूँ, ये वो नहीं, नाइन जीरो वाली एंडिंग, 90 वाली 9000 नहीं 90 क्या ले लेंगे। मोटिवेशन बाहर खड़ा है, चल जल्दी। देखो यहाँ पे शोरूम है, मुझे गाड़ी का ज्यादा क्रेज नहीं है, नहीं तो पकड़ इतने दिन में तो मैं आगे क्या बोलना, तुझे समझ गया होगा। मुझे इतना क्रेज नहीं है गाड़ियों का, दैट्स द रीजन। असली मोटिवेशन रुक मैं सीट बेल्ट लगा, असली मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, ऑफिस से जाते समय और निकलते समय। बस इसके लिए तो ऑफिस ही आ लिया अपन ने। बनेर रोड, बनेर महालंगी रोड, बनेर यू टर्न एट बनेर पाषाण लिंक रोड। अगर भाई कळालं ना, एंड देन बनेश्वर मंदिर। ओके मंदिर जा रहे अपन, भगवान जी को जय भगवान जी करने, एंड उसके बाद घर पे। किसके घर पे जाना है बोल तो? अपन ना ऐसे टाइम निकलते, बहुत ट्रैफिक रहती है। कहाँ जाने का? वाह। नहीं दिख रहा कुछ, उधर एक व्हाइट कलर का मंदिर है, उधर नहीं, वैसा मंदिर नहीं। इधर ऊपर है, ऊपर वो जो दिख रहा है ना इधर का झंडा, हाँ वो झंडा, वो कलर्स, वो मंदिर है। इतना दूर ऐसा मंदिर नहीं है प्रणव, कलर नहीं है मंदिर को। गाइस देखो गाइस, पूरी व्हाइट है। और ये मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ तो भी है।
अभी कहाँ है क्या पता, यहाँ अंदर मंदिर है शायद। कार्विंग है पूरा, कार्विंग है पूरा। चलो अच्छा ये एग्जिट है क्या? ओके ओके अच्छा थैंक यू। अभी मऊ यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करने वाली है ना? हाँ तो आते समय यहाँ से रील शूट करेंगे। चल ये देखो जल कुंड है। गोड पाणी असेल ना? अच्छा ये देखो कुठे जरा डोंगरातून येत इथे जरा नाही आहे त्याच्यातून पाणी येत इथे। ये देखो सामने से आ रहा है, ये जो गीला दिख रहा है ना वहां से आ रहा है, और ये नीचे देखो ये 0.5 पे देखो कार्विंग है पूरा। ये पूरा हिल्स बानेर हिल्स में कार्विंग किया है। हाँ ऐसा लग रहा है, और ये 100% मीठा पानी होगा। मस्त है यार मस्त। गणपति बाप्पा अर्जुनाने बांध मारलं होतं त्यावेळेस पाणी आलं ना दादा? तेवढंच पाणी असतं काय? कमी जास्त होतं काही? उन्हाळ्यात कमी होतं, उन्हाळ्यामध्ये थोडं कमी होतं, थोडं कमी होतं। आणि असं म्हणजे पाझरत ना ते, असं धार वगैरे नाही आहे ना? ये देखो ये भी कार्विंग है पूरा। साइड से दादा आओ भैया साइड दो। आराम से आओ। पूरी कार्विंग है, पूरी कार्विंग है। सो गाइस मस्त दर्शन हो गया। ये स्काई देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ऑसम डॉसम लॉसम। सो अभी अपन निकल रहे हैं घर की ओर। मंदिर बहुत अच्छे है, प्राचीन काली मंदिर है। वो जो कुंड दिखाई दिया था ना पानी का, वो कुंड अर्जुन ने बांध मारा था पानी के लिए, इसलिए वो कुंड था। अभी मैं चल रहा हूँ तो कैमरा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि स्टीफ है पूरा। ये देखो पूरा स्टीफ है, अब जगह पे ऐसी चढ़ाई है जगह पे। सो ऐसा सब सीन है। वाह क्या सीन है, दर्शन हो गए, फीलिंग ब्लेस्ड, अच्छा लगा। आएंगे अपन यहाँ हमेशा आएंगे। तो चल अभी निकलते घर पे। बानेर हिल्स
ये देखो सोसाइटी क्या व्यू होगा ना यहाँ से, बालकनी भी बड़ी है यहाँ की, मतलब यहाँ से ये व्यू कितना मस्त दिखता होगा, बारिश ये वो सब चीजें, मजा आ रही है मजा। ये देखो फोटोशूट चल रहे, फोटोशूट एक नंबर। अरे यहाँ पे देखो ना, ऊपर जाके फोटोशूट कर सकते हैं अपन, यहाँ के जो लोग रहते हैं उसको कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। यार यहाँ नहीं आए थे यार अपन, नहीं आए थे। मेरे को पसंद आ गई ये सोसाइटी, तो होने का शिफ्ट यहाँ पे डेफिनेटली, क्यों नहीं, मुझे नहीं आने का होगा, डर लगेगा यहाँ से कुछ आएगा। तो ये सोसाइटी वालों ने रोड बनाया है, लेकिन व्यू क्या मस्त है, एंड है क्या आगे देखेंगे, चक्कर मारेंगे, डब्ल्यू वेडिंग कुछ लिखा है, अंकल को पूछो वहाँ से एंड का रास्ता कहाँ निकलता है, पूछो ना। अरे क्यों पूछने का, जाएंगे ना अपन, अंकल उनके गनगन में। हाँ तेरा फोन तो हमेशा रहता ही है। आगे जाके भी कुछ नहीं था, एक स्पोर्ट्स क्लब था डब्ल्यू वेडिंग करके, मस्त था वो भी, मेरे को पसंद आया वो, अभी एक बार मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं, एंड बस खत्म था, रोड खत्म था। मतलब मेरे को लगा कुछ पहाड़ वहाड़ ऊपर जाने का कुछ रोड होगा, बट वैसा कुछ नहीं था। तो वहाँ से यू टर्न मार के अपन रिटर्न घर पे आ गए, प्लेस अच्छी है, एक दिन फोटोशूट का वहाँ पे प्लान करेंगे मस्त, मतलब फोटोशूट वगैरह अच्छा आएगा, या फिर कभी कुछ अलग शॉट लेना हो, कुछ रील शूट करने हो या कुछ कंटेंट बनाना हो, तो अपने को एक जगह मिल गई। और घर पे आए, घर पे आके थोड़ा सा चेंज वेंज करके फ्रेश होके खाना खाया, आज माँ को उपवास था, उसका फास्ट था, हरतालिके का फास्ट होता है, तो उसने 12 के बाद थोड़ा सा खाया, उसको भूख लगी थी और बेचारी सो गई, थक गई थी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं, रात को ही थोड़ा सा खाया तो वो सो गई। अभी मैं ऑलमोस्ट एडिटिंग ख़त्म कर रहा हूँ एंड रेंडर करके मैं भी सोने वाला हूँ। अभी ये थोड़ा सा लेट चल रहा है क्योंकि कल गणपति बप्पा आ रहे, मतलब आपके पास ऑलरेडी आ गए होंगे, आप सभी को गणेश चतुर्थी की, गणपति बप्पा के आगमन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे मोदक खाओ, ढेर सारे मिठाइयाँ बांटो, ढेर सारी मिठाइयाँ कम खाओ, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन मजा करो, फन करो, उत्सव मनाओ। तो चलो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो किसी भी कारण अगर पसंद हो तो प्लीज लाइक कर देना, जो भी लग रहा हो वो कमेंट में बता देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ।